कि पेपर में क्या क्या होता है, ये आपने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब अगर आप कहीं किसी जगह पेपर आप सबमिट करेंगे तो पेपर सबमिट करने का क्या क्राइटेरिया होगा। तो पेपर सबमिट करने का क्राइटेरिया होता है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 200 शब्दों से ज्यादा नहीं हो। पूरा पेपर जो है, जब आप पूरा फुल पेपर, जैसे मैंने आपको फुल पेपर बताया, फुल पेपर दिखाया, तो फुल पेपर 2000 शब्दों में हो। जब आप नीचे लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे, तो वर्ड में लिखते हुए 2000 शब्द बताएगा, वर्ड में लिखेंगे तो वह एब्स्ट्रैक्ट भी आपको बताएगा 200 शब्द वो लिखेंगे। पेपर जब लिखेंगे या तो टाइम्स न्यू रोमन में लिखेंगे, वही उसी को यूज होता है, वही हर जगह एक्सेप्ट होता है, और किसी भी फॉन्ट में जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो आप टाइम्स न्यू रोमन ही इस्तेमाल करेंगे। पेपर जो है वो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप प्लेगराइज ना हो, प्लेगरिज्म आप चेक करके देंगे, प्लेगरिज्म का जो रेट है वो 10% से ज्यादा ना हो। आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी को दे के कर सकते हैं, बहुत सारे पुरनितीन हैं, ढेर सारे ऐसे प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप उसको प्लेगरिज्म आप चेक करवा सकते हैं। तो 10% से ज्यादा ना हो ये ध्यान करिएगा, ताकि वह आगे जाकर के रिजेक्ट ना हो। और आपको आपके लिए जो पेपर जिसने जो प्रेजेंट कर रहा है, जो पेपर का अथॉरिटी ले रहा है, वह वही उसका मेन जिम्मेदार होगा पेपर की, और जो करस्पॉन्डिंग ऑथर होगा जिसकी जो पेपर को पब्लिश कराएगा, पूरा का पूरा जिम्मेदारी उसी की होगी। कंटेंट ऐसे में अगर किसी का प्लेगरिज्म होता है तो ये भी ध्यान करिएगा कि कंटेंट में प्लेगरिज्म ना हो। ये कंटेंट का जो है पेपर का ये गाइडलाइन है। आगे बात करते हैं कि जब हम पेपर आप मान लीजिए प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट करने का क्या कुछ टिप्स है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब आप पेपर प्रेजेंट करेंगे तो आप मतलब अभी तक तो हमने पेपर बनाने की बात करी, अब हम पेपर को प्रेजेंट करने की, मान लीजिए आप किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पेपर जब प्रेजेंट करेंगे तो कैसे पेपर प्रेजेंट करें, तो ये ध्यान रखें कि पेपर जो बनाएंगे तो उसको पावर पॉइंट में बनाएंगे। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर दिखता है, तो पावर पॉइंट में उसको बनाना चाहिए। और आपको कहीं भी आप जब पेपर को प्रेजेंट करते हैं तो 10 मिनट से ज्यादा आपको और प्रेजेंटेशन के लिए नहीं मिलता है। जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको 10 मिनट मिलेगा, 5 मिनट आपको डिस्कशन के लिए मिलेगा, क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए मिलेगी, जो चेयर को चेयर होते हैं आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो 5 मिनट उसमें जाता है, इसलिए 10 मिनट ही आपको मिलते हैं, कहीं के 10 मिनट से भी कम मिलता है। तो अपने आपको तैयार रखिएगा कि हमको मैक्सिमम 10 मिनट मिलेगा, मिनिमम 5 मिनट मिलेगा, तो आपको उतने में पेपर आपको प्रेजेंट करना है। जब आप पेपर को प्रेजेंट करें तो प्रेजेंट करने से पहले आप प्रॉपर तरीके से रिहर्सल कर लें, प्रैक्टिस कर लें कि 10 मिनट में या 10 मिनट से पहले अपने पेपर को आप एकदम हूबहू अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, बता पाएंगे, तो भी ध्यान रखिएगा। पेपर को जब आप प्रेजेंट करें तो आप जब आप कहीं पेपर आप पब्लिक दें प्रेजेंट करने के लिए, तो वहाँ पे आपका नाम, किससे आप अफिलिएटेड हैं, किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से, आपका टाइटल क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, वो सब अच्छी तरह से बना करके फ्रंट पेज पे आप वहाँ पे दें। मान लीजिए पहली स्लाइड बना रहे हैं, तो पहली स्लाइड में आप जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड है उसमें अपना नाम, आपका किससे आप अफिलिएटेड है, आपका गाइड कौन है, और वो भी उसमें लिखे। फिर दूसरी स्लाइड में आपका एब्स्ट्रैक्ट लिखे। ये इस तरह से आप तैयार करें। प्रेजेंट जब आप पेपर को प्रेजेंट करें अपने पीपीटी के माध्यम से, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखें कि ग्राफिकल हो, विजुअल फॉर्मेट हो, और अच्छी क्वालिटी के जो फोटोग्राफ भी यूज करें, और अच्छी क्वालिटी के फोटोग्राफ्स यूज करें ताकि लोगों को देखिए अट्रैक्शन बढ़े। जब आप फाइंडिंग आप उसमें रखते हैं तो फाइंडिंग और रिकमेंडेशन भी आपके रिसर्च से संबंधित हो और वह कैची हो, लोगों को समझ में आए, और आप उससे भी जब प्रश्न पूछा जाता है उसका अच्छी तरह से जवाब दे पाए। तो ये सब जो है पूरा वो टिप्स है। होप आप लोगों को यह जो है पूरा का पूरा ये पूरा समझ में आया होगा। तो आने वाले समय में हमारा जब कॉन्फ्रेंस या कहीं भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में आप जब इसको इस प्रकार से अगर आपको पेपर बनाने हो, तो आपको ये जो वीडियो है आपको काफी हेल्पफुल साबित होगी, और होप आप लोगों को एकदम शॉर्ट और स्वीट में आपको समझ में आया होगा। तो आप जो है हमारे थोड़ा सा और ले लेते हैं कि क्या क्या आप जब आप पेपर को प्रेजेंट करेंगे तो आप टिप्स जो है कौन कौन सी यूज करेंगे, तो उसको कैसे आप प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने ऑडियंस को जाने कि ऑडियंस कौन कौन बैठा हुआ है, कौन किसके सामने आप पेपर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको समझ लें थोड़ा सा, ताकि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। और हमेशा हमेशा बी पॉजिटिव रहें, बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल मतलब अपने आप में फियर ना लेके आए। आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो ध्यान में रखिएगा। अपने जो आपका जो पेपर है वो पेपर को पढ़ने की तैयार में मतलब उसको डी टू वन वर्ड टू वर्ड आप उसको पढ़ने के लिए मत रेडी होइएगा। आप उसको पढ़िएगा नहीं, प्रेजेंट करिएगा आप उसको अपने अपने शब्दों में, उसको बताइएगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बता रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा आप अगर एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे, विजुअल एड्स का यूज करेंगे, तो और भी आपके लिए बेहतर यूज होगा, बेहतर आपको लोगों को समझ आएगा। आई कॉन्टेक्ट लगातार मेंटेन करके रखें, और आप अपने ऑडियंस के साथ में इन्वॉल्व रहें, ऑडियंस क्या कहना चाह रहा है, क्या समझ रहा है, उनके साथ में बिल्कुल तैयार रहे।
और अपने ऑडियंस का आभार जरूर माने, उनको एक्नॉलेज करें कि आपने हमको बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरह से सुना समझा। और ये प्रश्न अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन में अगर आपको कोई प्रश्न नहीं भी आता है तो आप वहाँ पे सीधे ये कहिएगा कि ये एरिया मेरे से नहीं है, आई एम सॉरी ये मुझे नहीं आता है, मैंने इस पर काम नहीं किया हुआ, बस इतना ही कह करके आप उसको डिटेल में न जा करके बस इतना ही कह करके वहाँ से अगर आप हटेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपका पेपर और भी बेहतर होगा। ये सारी बातें जो है आप ये टिप्स हैं आपके लिए। तो लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं पेपर को प्रेजेंट करें तो पेपर के अलग अलग पहलू हैं कॉन्फ्रेंस में, ये आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको मैं कहना चाहूंगा कि एक ही पेपर को अलग अलग जगहों पे आप प्रेजेंट नहीं करें। मान लीजिए आपने कोई पेपर यहाँ पब्लिश किया, प्रेजेंट कर दिया, वैसे को दूसरी जगह तीसरी जगह तो काउंट नहीं होता है। आप अलग अलग जगहों पे, ये जरूरी है, पेपर आपका मुद्दा एक ही है तो जरूरी है कि उसके और पार्ट नहीं हो सकते, उसका फर्दर एक्शन हो सकता है, उसके आगे की बात को लेकर के आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। सेम बातों को, सेम कंटेंट को कहीं प्रेजेंट ना करिए, ये मेरा आपके लिए सुझाव है। तो आपको ये पूरा पेपर जो है वो सॉल्व आएगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पेपर कैसे बनाते हैं, पेपर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जांपल्स के जरिए मैंने आपको समझाया। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे ऐसे ही लोगों को अपने मित्रों तक फैलाइएगा। सो थैंक यू सो मच।